नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो फिर तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचते रहे। ग्रेटर नोएडा में 13 अरब के घोटाले का खुलासा, ग्रैंड वैलिस मॉल प्रमोटर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से अरबों रुपए का घोटाला सामने आया है। यहां के ग्रैंड वैलिस मॉल के प्रमोटर सतीश सिंह भसीन ने अपने पिता जेएस भसीन और अपनी पत्नी क्विंसी भनीस के साथ मिलकर के सरकार, बैंकों और हजारों प्रॉपर्टी खरीदारों को 13 अरब का चूना लगा है। यह खुलासा गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने किया है। पुलिस ने सतीश सिंह भसीन के खिलाफ जिला न्यायालय में दाखिल चार्जशीट से यह खुलासा सामने आया है। चार्जशीट के मुताबिक सतीश सिंह भसीन ने 700 करोड़ रुपए की ठगी प्रॉपर्टी खरीदारों से की, बैंकों को 238 करोड़ रुपए का चूना लगाया और उत्तर प्रदेश सरकार को 258 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। इस तरह एक परिवार के तीन लोगों ने मिलकर के सरकार, बैंक और हजारों प्रॉपर्टी को करीबन 13 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। नया पाकिस्तान डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ले रहा है बेली डांस का सहारा। पाकिस्तान ने अपनी खस्ता अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए वैश्विक निवेशकों को लुभाने के लिए बेली डांस का सहारा लेना शुरू कर दिया है। हाल ही में निवेशकों को लुभाने के लिए बेली डांस का भी आयोजन किया गया था। अजय बैराज की राजधानी बाकू में सरहद चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा 4 से 8 सितंबर तक आयोजित खैबर पर खुशवा निवेश अवसर समारोह में विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए अन्य गतिविधियों के अलावा बेली डांस का भी आयोजन किया गया था। बेली डांस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें महिलाएं डांस करती नजर आ रही है। ट्विटर पर कई लोग इसे लेकर के प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान की कुछ स्थानीय मीडिया वेबसाइट और ट्विटर इसे नया पाकिस्तान करार दिया है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार जल्द लागू करेगी वन स्टेट वन आइडेंटिटी फॉर्मूला। एक क्लिक पर मिलेगी पूरी जानकारी। कमलनाथ सरकार प्रदेश में लोगों की सुविधाओं के लिए वन स्टेट वन आइडेंटिटी का फॉर्मूला लागू करने जा रही है। इसमें प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को पहचान नंबर मिलेगा जिसमें व्यक्ति का नाम, फोन नंबर, पता और फोटो के साथ QR कोड भी होगा। कार्ड नंबर पर क्लिक करते ही संबंधित व्यक्ति का पूरा बायोडाटा खुल जाएगा। मतलब युवा को अलग अलग कार्ड जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। उसे इस एक कार्ड में सभी तरह की जानकारियां मिल जाएगी। वहीं इस कार्ड में यह भी जानकारी मिल जाएगी कि संबंधित व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के लिए पात्रता के मुताबिक लाभ मिलेगा या नहीं। सरकार का मानना है कि नागरिकों को सरकारी दस्तावेजों, स्कूल कॉलेजों और अन्य जगह पर पहचान संबंधित विभिन्न जरूरतों के लिए अलग अलग कार्ड रखना होता है। असम के बाद अब मणिपुर में भी लागू होगा NRC। कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव। असम के बाद मणिपुर में भी NRC पर अपनी सहमति दिखा दी है। राज्य कैबिनेट की मीटिंग में इस आयास पर एक प्रस्ताव पास किया गया है। PTI के हवाले से मणिपुर कैबिनेट के इस प्रस्ताव को लेकर के खबर सामने आई है। दरअसल पूर्वोत्तर के कई राज्य अवैध प्रवासियों से प्रभावित है। इससे अवैध प्रवासियों के चलते इन राज्य के मूल निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन राज्यों के मूल निवासियों में अवैध प्रवासियों को लेकर के भारी आक्रोश फैल रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में BJP ने लॉन्च किया घर घर रघुवर कार्यक्रम, योजनाओं को भुनाने की कोशिश। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की ओर से अभी राज्य में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, पर इससे पहले ही सत्ताधारी पार्टी BJP ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। BJP की ओर से राज्य में जिस चुनावी अभियान की शुरुआत की गई है उसका नाम है घर घर रघुवर। इसमें 2014 में लोकसभा चुनाव में BJP ने हर हर मोदी घर घर मोदी नाम का अभियान भी चलाया था। इस अभियान के तहत BJP कार्यकर्ता राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को सभी घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। घर घर रघुवर अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताएं हर घरों में संपर्क कर उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री कृषि आवास योजना, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना आदि से हुए लाभ के बारे में लोगों को बताएंगे। साथ ही कार्यकर्ता जरूरतमंद परिवार को इस योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए कोशिश भी करेंगे। मोदी के रूस दौरे के बाद आई खुशखबरी, 18 महीने में भारत को मिलेगी S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के फौरन बाद इसका असर सामने आया है। रूस से बहुत अच्छी खबर आई है। रूस ने कहा है कि वो 18 महीने के अंदर भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई करेगा। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूरी बेसिसो ने इसकी पुष्टि की है। इस सिस्टम के बाद पाकिस्तान की गजनवी शाहीन और हफ्त जैसी कोई भी मिसाइल भारत के आसमान को छू नहीं पाएगी। रूस के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि एडवांस भुगतान मिल गया है और कड़े तौर पर सहमति पालन करते हुए सब तय समय के अनुसार 18 से 19 महीने के अंदर भारत को सौंप दिया जाएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मोदी सरकार दे रही 50,000 रुपए। बंजर होने से बचेगी धरती। बंजर होती धरती से पूरी दुनिया परेशान है। भारत में भी करीबन 30% जमीन बंजर हो चुकी है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत दुनिया का लीडर बनकर के उभर रहा है। ग्रेटर नोएडा में चल रहे इसके वैश्विक सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया। उन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृति में पृथ्वी को पवित्र माना जाता है और इसे मां की संज्ञा दी जाती है। PM मोदी ने 15 अगस्त को भी कहा था कि एक किसान के रूप में हमें धरती मां को
बीमार बनाने का कोई हक नहीं है। दरअसल इनका इशारा प्राकृतिक यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने पर है। कृषि वैज्ञानिक का कहना है कि ऑर्गेनिक यानी कि परंपरागत खेती से हम धरती को उपजाऊ बना सकेंगे। इसके लिए सरकार किसानों के लिए आर्थिक मदद भी दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जाएगा। पहले यह लक्ष्य 2.1 करोड़ हेक्टेयर था। तो सरकार के इस मुहिम में आप भी योगदान दीजिए, सरकार से पैसा लीजिए और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दीजिए। गूगल और फेसबुक पर दिए गए ऑनलाइन विज्ञापन से सरकार के टैक्स आमदनी में हुआ बड़ा उछाल। गूगल और फेसबुक जैसे डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पर भारतीय कंपनियों द्वारा दिए गए विज्ञापनों से भारत सरकार को प्राप्त होने वाले टैक्स में 59% की बढ़ोतरी हुई है। इस बात की जानकारी लाइव मीट के एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने बताया है कि इन डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर विभाग ने बीते वर्ष में लगभग 939 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं, जबकि पिछले साल इसने 590 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। हरियाणा में कांग्रेस का संकट और गहराया। गुलाम नबी आजाद का फोन नहीं उठा रहे नाराज नेता। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले राज्य कांग्रेस का संकट गहराता जा रहा है। पिछले हफ्ते भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा को कमान मिलने के बाद पार्टी के दूसरे नेता नाराज नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी महासचिव गुलाम नबी आजाद कांग्रेस को एकजुट करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कुमारी सैलजा ने जब कार्यभार संभाला उस वक्त पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर, दिग्गज नेता किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई चंडीगढ़ नहीं पहुंचे। इसके बाद जब राज्य प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने जब इन नेताओं को फोन लगाया तो किसी ने फोन का जवाब नहीं दिया। पिछले हफ्ते कांग्रेस में बड़ा बदलाव करते हुए अशोक तंवर को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। पार्टी के इस फैसले से वह बहुत नाराज है। SBI में FD करवाने वालों के लिए बड़ी खबर, आज से बदल जाएगी ब्याज दरें। SBI में अगर आपने FD करवाई है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंक ने FD की दरों में बदलाव किया है। SBI ने सितंबर महीने में अपनी FD की ब्याज दरों को दूसरी बार घटा है, इससे लाखों ग्राहकों को नुकसान होगा। बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 10 सितंबर से सभी अवधि वाले टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरें 0.20% से 0.25% तक हो जाएगी। वहीं ब्लॉक टर्म डिपॉजिट पर 0.10% से 0.20% घट गई है। ऐसा संभावना है कि SBI की एक कदम के बाद से देश के दूसरे बैंक भी ब्याज दरों को घटा सकते हैं। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार का नया फैसला, कम से कम 1100 रुपए चुकाएं और गायों को गोद लें। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गायों को गोद लेने की नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इसके तहत NIR और कंपनी के बाद अन्य सामान्य व्यक्ति भी गौशाला की गायों को 15 दिन से लेकर के जीवन भर के लिए गोद ले सकता है। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का नाम प्रोजेक्ट गौशाला है। इस व्यवस्था के तहत एक गाय को जीवन भर के लिए गोद लेने के लिए 3 लाख रुपए चुकाने होंगे। वहीं एक साल के लिए गोद लेने की कीमत 21,000 रुपए है। एक महीने के लिए गाय को गोद लेने के लिए 21,000 रुपए और 15 दिन के लिए 1100 रुपए खर्च करने होंगे। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गायों को गोद लेने की नई व्यवस्था शुरू कर रही है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति गौशाला से गायों को गोद ले सकता है। UNHRC की बैठक में पाकिस्तान के असली चेहरे का पर्दाफाश करेगा भारत, हर सवाल का दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 42वां सत्र कल से जिनेवा में शुरू हो चुका है। इस सत्र में भारत और पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर आमने सामने होंगे। इस मंच पर भारत की पूरी कोशिश होगी पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो। भारत की तरफ से वरिष्ठ राजनयिक अजय बिसारिया बैठक में देश का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने लाएंगे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से वहां के खुद विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और पूर्व विदेश सचिव तहमी जजुआ इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 42वें सत्र की बैठक 27 सितंबर तक चलेगी। बिहार में JDU RJD में पोस्टर वार, विवादों के बाद नीतीश की पार्टी ने बदला नारा। बिहार की सियासत में पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने नारा गढ़ा, अब विपक्षी पार्टी RJD की तरफ से भी पोस्टर जारी किया गया है। RJD ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए अपनी पोस्टर में एक कविता लिखी है। RJD ने जो जवाबी पोस्टर जारी किया है उसमें कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कविता गढ़ी गई है। पार्टी कार्यालय के बाहर कविता लिखा हुआ है, यह पोस्टर लगाया गया है। RJD में पोस्टर में कुल 36 पंक्तियां लिखी हुई है। बिहार में बेशक अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन राज्य में पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा। सत्तासीन पार्टी जनता दल यूनाइटेड और जनता दल नए पोस्टर जारी करके राज्य में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा रहे हैं। CM कमलनाथ की बढ़ सकती है मुश्किलें, खुलेगी 1984 सिख विरोधी दंगे की फाइल, MHA ने दी हरी झंडी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती है। गृह मंत्रालय उनके खिलाफ 1984 सिख विरोधी दंगे को दोबारा खोलने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के CM कमलनाथ के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगे के मामले को फिर से खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा में सोमवार को यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि 2008 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे तभी से उनके खिलाफ 1984 सिख विरोधी दंगे के आरोप पर मामले उठाए जा रहे हैं।
झारखंड में बाबूलाल मरांडी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहती कांग्रेस। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि जेवीएम और आरजेडी का वोट पार्टी के उम्मीदवारों को नहीं पड़ता है। हाल ही में कांग्रेस ने जेएमएम और आरजेडी और जेवीएम के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, नतीजा कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ। आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, आरपीआई का पूरा नाम क्या है? इसका जल्दी जल्दी सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि देश दुनिया की सारी खबरों से रह सके अपडेट।